दोस्तों, कार में हम जो है हीटर का इस्तेमाल सर्दियों में ठंड से बचने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर यूज़ करने में कितना फ्यूल कंज्यूम होता है, क्या इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स लगते हैं? बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे आपके मन में जो आज इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अगर हम एसी और हीटर की बात करें तो कुछ इस तरह से दिखता है जो एसी और हीटर का जो कंट्रोल्स है वो ह्यूंडई इलीट i20 में। ये कंट्रोल्स हर गाड़ी में मैन्युफैक्चर जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग रखते हैं। किसी गाड़ी में तीन चार अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ह्यूंडई इलीट i20 में आपको कंट्रोल्स जो है वो ऐसे मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कार में हीटर किस तरह से काम करता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी ये जो रेड रेड जो रेड साइड है, इस पे अगर आप एसी का जो ये कंट्रोलिंग है उसको अगर रेड की तरफ करोगे तो आप देख रहे हो अभी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये हाई पे पहुंच गया, मतलब एकदम जो सबसे मैक्सिमम हीटिंग जो इसकी कैपेसिटी है उस पे अभी ये पहुंच चुका है। उसी तरह से अगर इसको थोड़ा सा, जैसे आपको लगता है गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है उसको कम करना है कंट्रोल, तो यहाँ से आप कर सकते हो, वापस से उसको लो कर सकते हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई हीटर के कंट्रोल्स की, अब आगे देखते हैं गर्म हवा जो है गाड़ी के अंदर किस तरह से आती है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम कंट्रोल को हीटिंग पे लाते हैं, जैसे गाड़ी को अपन हीटर ऑन करते हैं। दोस्तों, हीटर ऑन करते ही जो गर्म हवा हमें मिलती है वो एक्चुअल में मिलती है हमें हीटर कोर की वजह से। अब बात आती है कि हीटर कोर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, हीटर कोर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक एलिमेंट नहीं है जो गर्म हवा बना के गाड़ी के अंदर सप्लाई करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं, हीटर कोर जो है वो आपके जो गाड़ी का मेन डैशबोर्ड है उसके नीचे इंस्टॉल किया हुआ होता है, और उसका काम ये होता है कि जो गाड़ी का इंजन है वहाँ से एक पाइप होती है जो इंजन से होते हुए हीटर कोर में फिक्स होती है। तो जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और उसको हीटर ऑन करते हो, तो जो इंजन जो है वो जैसे ही चलता रहता है, और उस वजह से जो उसका लिक्विड है वो गर्म होता है, और वो गर्म लिक्विड पाइप के थ्रू डैशबोर्ड के नीचे लगे हुए हीटर कोर में आता है, और वहाँ से जैसे हम हीटर ऑन करते हैं तो जो एसी वेंट है उसके थ्रू वो गाड़ी के अंदर आता है और हमें गर्म हवा मिलती है। उसी हीटर कोर के अंदर आप देखें तो कूलेंट कॉइल भी लगी होती है, जैसे ही आप एसी ऑन करते हो तो वो सेम प्रोसेस में आपको ठंडी हवा देता है, अगर आप उसको हीटर पे लेके जाते हो तो वो सेम प्रोसेस जो है रिवर्स में करके उसको क्या करता है, आपको गर्म हवा देने लगता है। तो हमने दोस्तों बहुत सी गाड़ियों में देखा है कि वो क्या करते हैं, हीटर हीटर के साथ साथ एसी भी चलाते हैं, जिसका लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनता है, बट अगर आप टेक्निकली देखो तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम हीटर चलाते हैं तो गाड़ी पे एक मॉइस्चर आ जाता है, फॉग जम जाता है, जिससे हमें आगे आगे की विजिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, हमें सामने क्या गाड़ी आ रही है कुछ भी देखने में हम एबल नहीं रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल गाड़ी का एसी भी ऑन कर दीजिए साथ में, उससे क्या होगा जो फॉग है वो क्लियर हो जाएगी और गाड़ी की विजिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपके गाड़ी के हीटर को लेके जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों आपके कोई डाउट्स हो गाड़ी को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की, और मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।